जितेंद्र सोनी, आज मैं आपको अमीन तूफ़ानी ग्रेटिट्यूड सॉन्ग का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। ये सॉन्ग मेरा इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, इसलिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैं इस सॉन्ग का ट्यूटोरियल बनाऊँ। इसको मैंने कुछ अपने प्लेक्ट्रम से बजाया हुआ है और अपनी स्टाइल में बजाया हुआ है। बेसिकली गाना ए माइनर स्केल पर है, ए हारमोनिक माइनर। का पहला पार्ट मैं आपको बजा के सुनाता हूं। इस पार्ट में जो स्ट्रम हो रहा है, स्ट्रम कुछ इस तरीके से हो रहा है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप चक अप। ये जो चक का साउंड आ रहा है, इसके लिए पाम को स्ट्रिंग के ऊपर रखना है और सिर्फ प्लेक्ट्रम को, जैसे हम स्ट्रम करते हैं बेसिकली, वैसे ही स्ट्रम को सिर्फ मारना है। मैं फ्रेटबोर्ड पर इसको हिट करता हूँ क्योंकि फ्रेटबोर्ड पर हिट करने में मुझे ज़्यादा अच्छा साउंड मिल रहा है। इस तरीके से इसको बजाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को 9th फ्रेट पर रखना है और 4th फिंगर को 12th फ्रेट पर रखना है, और बीच की जो स्ट्रिंग रहेगी ये म्यूट रहेगी, मतलब सेकंड स्ट्रिंग म्यूट रहेगी। ये होता है ऑक्टेव, मतलब ये सा बज रहा है तो ये भी सा बज रहा है, मतलब ये नोट जो नोट साउंड कर रहा है सेम साउंड ये नोट भी कर रहा है। और इस मिडिल फिंगर से मैं स्ट्रिंग को म्यूट कर रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग को, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ्रेट पीछे करना है, 8th फ्रेट पर ले जाना है सेम, फिर उसके बाद 5th फ्रेट पर और उसके बाद 4th फ्रेट पर, तो साउंड आएगा। स्लो स्पीड में बताता हूं आपको, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बजा के दिखाता हूं, फिर हम इसको बजाएंगे। पार्ट दो स्ट्रिंग में बजेगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर से आपको हैमर करना है 4th फ्रेट पर, स्ट्रिंग ओपन बजा, उसके बाद आपको हैमर करना है 4th फ्रेट पर। इसके बाद सेकंड फिंगर से आपको 5th to 7th स्लाइड करना है, मतलब ऐसा आपको दो बार बजाना है। इसके बाद आपको हैमर ऑन पुल ऑफ करना है 7 और 8 में, उसके बाद 5 to 7 हैमर पुल ऑफ, स्लो स्पीड में बजा के बताता हूँ। तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। स्लो स्पीड में है इसलिए ऐसा साउंड कर रहा है, फास्ट बजाएंगे तो अच्छा साउंड करेगा। इसके बाद आप ई मेजर कॉर्ड बजाएंगे और फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर को स्लाइड करेंगे 4th फ्रेट तक, फिर नोट बजाएंगे, फिर स्लाइड करेंगे 1st फ्रेट तक और उसके बाद कॉर्ड बजाएंगे। अब आते हैं इसकी मेन पार्ट पर, जो इसकी मेन रिफ है गाने की। मेन रिफ कुछ इस तरीके से साउंड करेगी। इस रिफ को बजाने के लिए आपको ए माइनर कॉर्ड बजाना है, उसके बाद आपको जो फ्रेट यूज़ करने हैं वो है फर्स्ट स्ट्रिंग पर 8th फ्रेट और 7th फ्रेट, 8th फ्रेट 4th फिंगर से, 7th फ्रेट
थर्ड फिंगर से। तो इसके बाद आपको बजाना है जी मेजर कॉर्ड, और जो फ्रेट यूज़ करने हैं साथ में बजाने के लिए, फोर्थ फिंगर से सेवन्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग का और फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फिंगर से। तो ये साउंड करेगा। इसके बाद आते हैं एफ मेजर पे। एफ मेजर के लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट और थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट आपको यूज़ करना है फोर्थ फिंगर से, थर्ड फ्रेट आपको यूज़ करना है थर्ड फिंगर से। ये आप रख भी सकते हैं इन दोनों फिंगर्स को अगर आप ऐसा बजाते हैं, या इनको हटा भी सकते हैं अगर आप नहीं बजा पा रहे हैं। और इस चीज़ में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हार्मोनिक माइनर कर सकते हैं, मतलब ये नोट भी ले सकते हैं चाहे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी अच्छा लगेगा, मतलब ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में लेंगे ई मेजर कॉर्ड।